माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा ही की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ था, इसलिए ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है माँ शैलपुत्री हर तरह के डर और भय को दूर करती है और माता की पूजा से व्यक्ति को यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। माता के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान मानी जाती है, इसलिए उन्हें वृक्षरूढ़ा भी कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिवस की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके माँ दुर्गा की पूजा शुरू करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करें, उन्हें लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, धूप आदि अर्पित करें। फिर माता के मंत्रों का उच्चारण करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में गाय के घी के दीपक या कपूर से आरती करें। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद रंग की बर्फी का भोग लगाएं। आप चाहे तो सफेद रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोग लगे फल और मिठाई को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में लोगों में वितरित करें। जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक पान के पत्ते पर माता को लौंग, सुपारी और मिश्री रखकर भी अर्पित करें। माँ शैलपुत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देवाय नमः।